सर्विस के बाद से पूरे देश के और देश तो क्या दुनिया के हर हिंदू के मन में आता है कि वो प्रभु के चरणों में प्रणाम करे, इसलिए कल का सौभाग्य हमारा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज यूपी दौरे पर रहे, जहां वो लखनऊ में आयोजित यादव महाकुंभ में शामिल हुए। और इस मौके पर सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जो धरती है वो सिर्फ नारा नहीं लगाती बल्कि उसे सार्थक भी करती है। ये जय जयकार किसी जाति या समाज विशेष की नहीं है। साथ ही सीएम यादव ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा भी सुनाई। इतना ही नहीं, सीएम मोहन यादव ने मंच से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लिए बिना निशाना साधा। उन्होंने यादवों से कहा कि मेरे यहां आने से कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, मेरे आने से पहले सभा करके इस कार्यक्रम को फेल बनाने की प्लानिंग भी की जा रही थी। उत्तर प्रदेश की वो धरती है जो नारा ही नहीं लगाती, नारे को सार्थक भी करती है। जय यादव, जय माधव। अब ये हमारे नारे में सब कुछ आ जाता है। यह जय जयकार किसी समाज विशेष की नहीं है, किसी जाति विशेष की नहीं है। ये समाज में आने वाली आवाज 5000 साल के उस काले कष्ट वाले समय को याद दिलाती है जब धर्म की हानि हुई, हाहाकार मच रहा था। ऐसे समय पर एक ऐसे बालक का जन्म होने के पहले से घटाएं, काली घटाएं जैसे आज पूरा माहौल अलग ढंग से बता रही थी। ऐसा लग रहा था भगवान कृष्ण का वो जीवन का काल जब उनका अपना जन्म होने वाला है। इंद्र उस समय भी परीक्षा ले रहा था और इंद्र आज भी परीक्षा ले रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं जिनके सामने बात कर रहा हूं ना ये उस समय झुके थे ना ये आज झुके हैं, जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी ने 29 सीटों में से 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। एमपी में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी आखिर कैसी है, इस मसले पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल से बात की हमारे सहयोगी ने। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल हमारे साथ हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से जरूर बज गया, हालांकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से शंखनाद होना बाकी है। क्या कहेंगे, बड़ा लंबा अनुभव है, कई जगह से लोकसभा चुनाव लड़े हैं, क्या तैयारियां हैं भाई साहब, इस बार क्या रणनीति होगी अब चुनाव की? नहीं, रणनीति में तो किसी भी राजनीतिक परिणाम के लिए जरूरी है कि नेतृत्व, आपकी नीतियाँ, आपके विकास के मॉडल, और बात होती है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। भारतीय जनता पार्टी भाग्यशाली है, देश की आज़ादी के 75 साल जिस उत्सव के तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में मनाए गए, हमारी सांस्कृतिक विरासत में जो सबसे अहम बात थी कि विकास के साथ कभी विरासत की बात नहीं होती थी, ये पहला मौका है जब मोदी जी ने विकास के साथ में विरासत को बराबर पर रखा, बल्कि उसे शीर्ष पर रखा। जब हम ये कहते हैं तो अक्सर लोग मंदिर या इन तक ही सीमित हो जाते हैं। अगर हमने मिलेट्स को दुनिया का भोजन, श्रेष्ठ भोजन मनवा दिया, योग को मनवा दिया, ये हमारी परंपराएं और हमारी विरासत को स्थान है। अगर कोई जो कहते हैं इस्लामिक कंट्रीज़ में कोई मंदिर नहीं बन सकता था, लेकिन सहज भाव से मिलकर मित्रता के साथ अगर वो चीज़ें सफल होती हैं तो ये मामूली घटनाएँ नहीं हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ कि नेतृत्व हमारे पास ऐसा है जो सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। दूसरा है नीतियाँ, तो हमारे विकास के मॉडल में तकनीक जिन देशों के पास है वो मुकाम हासिल नहीं कर सके। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की स्कीम्स का जो भारत ने करके दिखा दिया, लोग कहते थे वो तो अनपढ़ लोग हैं बाकी, तो हमने सिर्फ आरोप समाप्त नहीं किया, हमने सफलता अर्जित करके दुनिया के सामने मिसाल कायम की, लोग उसे कॉपी कर रहे हैं। तीसरी बात होती है, जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे तो हमारे पास में कहने के लिए तो सब कुछ था लेकिन कोई मानता नहीं था। यह कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल बता रहे हैं कि पूरी तैयारी से प्राणपण से भारतीय जनता पार्टी जुटी है और मध्य प्रदेश में पूरी 29 की 29 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। नरसिंहपुर से आशीष जैन, न्यूज 18। इंदौर में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बयान आया, हाई प्रोफाइल सीटों को होल्ड होने पर उन्होंने कहा है कि होल्ड सीटों पर जल्द नामों का ऐलान हो जाएगा। दिग्विजय सिंह पर भी उन्होंने निशाना साधा, तो 24 सीटों पर नाम, उम्मीदवार
बता दिए गए हैं, लिस्ट जारी हो चुकी है, बाकी जो नाम है वो जल्द आएंगे, ये कहा गया है राजेंद्र शुक्ल द्वारा। वो भी जल्दी अनाउंस हो जाएंगे, जो होल्ड है वो भी जल्दी अनाउंस हो जाएंगे, और जितनी टिकट का वितरण हो गया है बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे प्रत्याशी जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको बनाया गया है। दिग्विजय सिंह जी की बातों को अब कोई गंभीरता से लेता नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को उस पर कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। रतलाम संसदीय क्षेत्र से बीजेपी ने अनीता चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया। बीजेपी की तरफ से नाम का ऐलान होने के बाद अनीता चौहान झाबुआ पहुंची, जहां टंटिया मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी उनके द्वारा किया गया। इसके बाद सांसद गुमान सिंह डामोर से मुलाकात उन्होंने की। हर किसी को ऐसा लगेगा जब अचानक बम जैसा फूटा, मेरे लिए ऐसा अनुभव हो रहा था। और जहाँ तक कैसा लग रहा है तो मैं कौन सी छत के नीचे खड़ी हूँ, एक बड़े भाई की छत के नीचे, तो मेरे लिए कोई चुनौती भी नहीं है। और हाँ, मेरे लिए ये ज़रूर है कि यह क्षेत्र मैंने देखा हुआ नहीं है, पर बड़े भैया हैं यहाँ पर और इतने सारे कार्यकर्ता है, तो हम उत्तीर्ण होंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए एमपी में अपने 24 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन एक खास रणनीति के तहत पार्टी ने 5 सीटों पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। आइए जानते हैं कि आखिर इन 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं करने के पीछे क्या वजह रही, और यहां कौन कौन से चेहरे को पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन 5 सीटों पर पार्टी ने एक रणनीति के तहत उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी ने जिन 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, उनमें से 3 सीटें मालवा क्षेत्र की हैं। मालवा क्षेत्र का इंदौर, उज्जैन और धार, ये वो क्षेत्र हैं जहां कांग्रेस की पकड़ मजबूत मानी जाती है। वहीं महाकौशल क्षेत्र की 2 सीटें छिंदवाड़ा और बालाघाट में भी बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। महाकौशल को कमलनाथ के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा बीजेपी ने कुछ और अंदरूनी समीकरण की वजह से इन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इंदौर में शंकर लालवानी के टिकट को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। उसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि ताई सुमित्रा महाजन और भाई कैलाश विजयवर्गीय के बीच सहमति नहीं बन पाई है। इसी बीच खबर आ रही है कि पार्टी यहां से किसी नए चेहरे को मैदान में उतारना चाहती है। वैसे भी इंदौर बीजेपी के परंपरागत सीट रही है। उज्जैन सीट पर महिला प्रत्याशी रानी जाटवा या पूर्व महापौर मीना जुनवाल को मैदान में उतारे जाने की संभावना है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह क्षेत्र है, ऐसे में उनकी सहमति के बिना यहां प्रत्याशी घोषित नहीं होगा। रानी जाटवा का नाम चौंकाने वाला है। रानी उज्जैन विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभुलाल जाटव की बहू है और डॉक्टर जाटव संघ से जुड़े हैं। उज्जैन संघ का गढ़ भी माना जाता है। धार बीजेपी के लिए रेड जोन वाली सीट है। भले ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई हो, लेकिन विधानसभा के चुनाव में सीट पर वोटों के लिहाज से बीजेपी माइनस में रही है। ऐसे में बीजेपी इस सीट पर किसी आदिवासी चेहरे को उतारना चाहती है, ताकि विधानसभा चुनाव में हुए वोटों के नुकसान की भरपाई हो सके। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। बताया जा रहा है कि कमलनाथ के कांग्रेस में बने रहने पर अभी भी सस्पेंस है। यही वजह है कि बीजेपी ने यहां प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। छिंदवाड़ा लोधी बहुल लोकसभा क्षेत्र होने की वजह से उमा भारती के नाम की चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ यहां से नाथन शाह, गगन कोलेह और बंटी साहू का नाम भी चल रहा है। बालाघाट सीट से मौजूदा सांसद ढाल सिंह बिसेन अपनी लड़की के लिए टिकट मांग रहे हैं। वहीं इस इलाके के पुराने नेता गौरी शंकर बिसेन भी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, जिसके चलते बालाघाट की टिकट को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर इन दिनों मध्य प्रदेश में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में कमलनाथ के गढ़ एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जहां जिले के बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। पांडुना जिले की महिला कांग्रेस अध्यक्ष रंजना बाल पांडे और पूर्व सांसद प्रतिनिधि दीपक मानेकर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जल्द ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी, ये कहना है एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का। जीतू पटवारी ने कहा कि 3 से 4 दिन के अंदर पार्टी के नेशनल कमेटी की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग जाएगी। क्या कुछ आखिर उन्होंने कहा है, सुनिए आप भी। 2-3-4 दिन में, इस हफ्ते में, उसके बाद स्थिति सारी टिकटों की स्पष्ट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, उन्होंने सूची जारी की सोच समझ के। हर राजनीतिक दल को अधिकार है, हमें भी अधिकार है। मैं मानता हूँ उनकी सूची अपनी, उनको मुबारक। कांग्रेस पार्टी की सूची पूरी तैयार हो चुकी है और जैसे ही इलेक्शन कमेटी की, हमारी नेशनल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, मध्य प्रदेश की सारी स्थिति स्पष्ट होगी। ग्वालियर में कांग्रेस प्रभारी का बड़ा बयान आया। कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया और कहा कि बहुत जल्द कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाएगी। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया 2 महीने से जारी है, लोकतांत्रिक तरीके से चयन करते हैं। नाम पर गांव ब्लॉक लेवल तक चर्चा हुई है और जल्द ही लिस्ट सामने होगी। जो प्रक्रिया है कैंडिडेट्स को चयन करने की, जो चयन करने की जो प्रक्रिया है, वो लगभग 2 महीने से चल रही है। हमारे यहाँ के माननीय अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के सचिव, वो गांव-गांव ढाणी जाकर ब्लॉकों से हम नाम ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से नाम ले रहे हैं, आम जनता से हम नाम ले के आते हैं और एक लंबी प्रक्रिया चलकर वो नाम तय होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, ये 2 लोग बांटते हैं पूरे देश के टिकट। देखिए, हमारी जो